अच्छी राइड होगी तो अच्छी सेफ्टी गियर्स होना बहुत जरूरी है। तो हेलो दोस्तों, दिन की पहली शुरुआत, ऑन तो करो इग्निशन। हो गई। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पीएल व्लॉग पर। भाई आज कुछ खर्चा होने वाला है। देखो, अच्छी राइड करनी है तो अच्छे गियर्स भी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे एक हेलमेट परचेस करना है। जी हाँ, हेलमेट परचेस करना है। अच्छी राइड होगी तो अच्छे सेफ्टी गियर्स होना बहुत जरूरी है। गियर में सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो है हेलमेट। तो हेलमेट जरूरी है अच्छी राइड के लिए। सर गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं लाइव अपडेट वहाँ पे डालता रहता हूँ। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको लाइव अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। क्योंकि देखो, यूट्यूब पे क्या है ना, आज का वीडियो कल आता है या परसों आता है, लेकिन आपको फाइनल अपडेट तो लाइव मिल जाते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, नीचे आ रहा होगा पीएलएम व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं हेलमेट के लिए। और यहाँ पे है शोरूम बोले तो शॉप है, बहुत ही पुराना शॉप है। और दोस्तों, यहाँ पे कोमल कुशंस। तो यार दोस्तों, मैं अभी आया हूँ कोमल कुशंस, बहुत ही पुराना शॉप है। यहाँ पे देखेंगे कि मेरे लायक कोई हेलमेट मिल पाता है कि नहीं। दोस्तों, यहाँ पे हेलमेट तो थे, लेकिन यार जो सिल्वर में मुझे चाहिए थोड़ा ग्राफिक्स वाला और वो चीज, तो यार वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। और अंदर पे लाइट भी नहीं थी, लेकिन एक और चीज देखी, बकेट सीट। और वो जो बकेट सीट था, व्लॉग लाइफ एके अंकुश कुमार, जिनका ब्लॉग्स मैं भी देखता हूँ, मैं भी सब्सक्राइबर हूँ। अगर भाई आप देख रहे हो तो मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूँ, नासिक में ही रहता हूँ। तो उनके लिए वो बनाया गया था। उनका मैंने एक लास्ट ब्लॉग देखा था कि उन्होंने यहाँ से दूसरा लगवा के लिया टेम्प्ररी, और उनका वाला स्टॉक वाला उन्होंने बनाने के लिए दे दिया था। साइड में ऊपर आपको तस्वीर दिख रही होगी बकेट सीट की। यार लॉन्ग रूट पे ना बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है बकेट सीट। यार दोस्तों, मैं अभी आ गया हूँ अशोक स्तंभ, जो कि नासिक में है। यहाँ पे हेमनानी एजेंसी, इनके पास यार बहुत सारी वैरायटीज है हेलमेट की। देखते हैं इनके पास हमें जो चाहिए वो मिलता है कि नहीं।
बहुत वजन जाता है उसका, मन जाम हो जाता है। लेकिन ये साइज बड़ा है थोड़ा? नहीं यही साइज है, सेम साइज है। हेलमेट हमने बांध दिया है पीछे, बाइक के पीछे। एक चीज आपको बता दूं, हमने हेलमेट लिया है स्टील बर्ड, लेकिन कौन सा लिया है ये घर जाके रिवील होगा। घर जाके ठीक से आपको चारों साइड से दिखाता हूँ कि कौन सा हेलमेट है और कैसा है। तो बने रहिए दोस्तों कंटिन्यू वीडियो पे, क्योंकि कैसा है ना, हम अगर बाहर जाते हैं लॉन्ग राइड पे, लॉन्ग राइड भी नहीं, किधर भी घूमते हो आप, सिटी में ही घूमते हो, लेकिन यार सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी के लिए अच्छा हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। देखो हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, ठीक हो सकता है, लेकिन यार अगर सर पे चोट आ जाए ना तो यार बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि दोस्तों आप अगर बाहर निकल रहे हो तो प्लीज़ हेलमेट ज़रूर पहनो। हेलो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं घर। एक्चुअली घर कल ही पहुँच चुके थे, लेकिन टाइम बहुत हो गया, कुछ काम था तो रात को मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हमारा नया हेलमेट। यार इसका ये बॉक्स है, अब कुछ शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ये स्टील बर्ड SBA-1 फ्री लाइव, ऑरेंज कलर है, कलर मैट ब्लैक है, ऑरेंज स्ट्राइप है। इसका साइज है 58 सेंटीमीटर और वाइजर है प्लेन। इसके ऊपर में MRP लिखा है 1949। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स। सो यार गाइस, ये हमारा स्टील बर्ड SBA-1 फ्री लाइव। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे वेंट दिया हुआ है, आपको दिख रहा है, एयर फ्लो के लिए यहाँ से इन, यहाँ से आउट, एक वेंट यहाँ पे दिया गया है यहाँ के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये हेलमेट है। इसके ऊपर भी कुछ लिखा है, ये है 580 mm, मेड इन इंडिया। इसके ऊपर बैच लगा हुआ है, टू व्हीलर हेलमेट, ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसका वेट दिया गया है 1055 ग्राम, मतलब ये 1 किलो का है, कम से कम 1 किलो तो ये है। तो इसको करते हम यहाँ से ये पन्नी निकाल देते हैं। तो यार गाइस, ये एक फ्लेयर वाइजर है, इसमें एक स्मोकी वाइजर भी आता है, लेकिन जब आप रात को ड्राइव करते हो तो उस तरह में दिक्कत आती है, आप वाइजर बंद करके बाइक नहीं चला सकते हो। अगर वाइजर क्लोज करके आप बाइक चलाओगे ना तो आपको सामने से कुछ नहीं दिखेगा। और एक चीज़ इसका मुझे एक बढ़िया लगा, स्ट्रैप अपन ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर का जो ये पूरा कुशन है ये पूरा निकल जाता है, आप उसको वॉश भी कर सकते हो। तो मस्ट रिकमेंडेड है ये हेलमेट, इस तरीके से ये पूरा निकल जाता है यहाँ पे। ये भाई ये निकल गया, आप उसको वॉश करके फिर से अटैच कर सकते हो, क्लिप टाइप बटन है, कोई दिक्कत नहीं। तो यार कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हेलमेट कैसा लगा, और प्राइस तो है 1949, लेकिन यह हमें पड़ा है
1600 का, 1600। तो मैंने मार्केट से ही ख़रीदा है, अमेज़ॉन पे भी आप चेक कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। तो यार गाइज, अगर आपने आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, वहाँ पे मैं लाइव मेरा अपडेट डालते रहता हूँ। यार गाइज, नीचे आ रहा होगा PLM व्लॉग, अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के वीडियो का हम करते यहीं पे ख़त्म। बाय बाय, सी यू, मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।